हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रीन कॉफ़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा आंसर है कि यस, ग्रीन कॉफ़ी लेनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने पहले के वीडियो में लोगों से बोला है कि मैंने जो अभी तक यूज़ किया है और जो मैंने इस पर रिसर्च की है, उस पर मुझे यही चीज़ मिली है कि इसको लेने से एक साइड इफेक्ट है। और वो पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे थे कि क्या है साइड इफ़ेक्ट, क्या है साइड इफ़ेक्ट। तो आज मैंने सोचा कि मैं पर्टिकुलर एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाती हूँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये कैसा है और आपको इसका साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज जो मेरा है, समझ लीजिए, यही पूरा टॉपिक है। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है कि आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी हेल्दी हैं, जो लोग भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और किन्हीं कारणों से उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो इसे ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं ले सकते हैं, थायराइड के पेशेंट ले सकते हैं, पीसीओडी एंड पीसीओएस के पेशेंट ले सकते हैं, डायबिटिक के पेशेंट ले सकते हैं, बीपी, जिनका बीपी हाई रहता है वो पेशेंट ले सकते हैं। और जो नहीं ले सकते हैं उनको मैंने पहले भी बताया था, प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती हैं, नरिशिंग मदर नहीं ले सकती हैं और छोटे बच्चे नहीं ले सकते हैं। तो अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब आप इसे, क्योंकि दिन में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, जब दिन में आप इसे लेते हो तो अच्छी बात है कि आपको सुस्ती नहीं रहती है, आपकी नींद दूर भाग जाती है। लेकिन किन्हीं कारणों से, मान लीजिए रात में आपने इसे 10 बजे ली, तो मान के चलिए 12 और 1 बजे तक आपको नींद नहीं आने वाली है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें और आपको लगे कि शायद, और आपके माइंड में है जो बहुत तरह तरह की बातें आएंगी और फिर आप उलझन में हो गए, तो इसका सलूशन मैंने ये निकाला है। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया था कि आपको ग्रीन कॉफ़ी जो है, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हो तो आप 8:30 तक ग्रीन कॉफ़ी अपनी ले लो, यानी कि आप अपना जो डिनर है वो 7:30-8 बजे तक फिनिश करके 8:15-8:30 तक आपको ग्रीन कॉफ़ी ले लेनी है, और उसके बाद बस आपको 10:30 तक नींद आ जाएगी। यानी कि इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आपको इसे लेने के बाद नींद नहीं आती है। और ये नींद जो नहीं आती है वो हमें मॉर्निंग के लिए तो सही है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के लिए तो बेस्ट है कि हमें नींद नहीं आती, हम पूरे पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रात में हमारे लिए प्रॉब्लम है कि फुल डे जब हम एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर रात में भी हम नहीं सोएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी बीमारी को बढ़ा देगा। हमारा वेट कम नहीं होगा, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं होगी तो वेट कम नहीं होगा। इसीलिए इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है जो मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं 10 बजे सोती हूँ तो मैं इसे 8:30-8:30 तक हर हाल में ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये टॉपिक शेयर किया जाए और ये भी बताया जाए कि इसे कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। क्योंकि अभी तक मैंने इस पर बात तो की है लेकिन इसका एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया है। तो आज मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आई हूँ और ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है इस ग्रीन कॉफ़ी, एक ग्रीन कॉफ़ी होती है गार्जिया एंड कंपोजिया वाली, एक ग्रीन कॉफ़ी होती है जो मतलब ग्रीन कॉफ़ी से बनी होती है। ग्रीन कॉफ़ी क्या होती है? ग्रीन कॉफ़ी जो, जैसे मान लीजिए पेड़ से तोड़ा जाता है, उसे रोस्ट कर दिया जाता है, जो हम जो नॉर्मल वाली कॉफ़ी पीते हैं ब्लैक वाली, वो वाली कॉफ़ी होती है। लेकिन इस कॉफ़ी को रोस्ट नहीं किया जाता है, इसे ग्रीन फॉर्म में ही रखा जाता है और ये आपको ऐसे ही सर्व किया जाता है। तो जो इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है ना, वो जब हम रोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन ये अनरोस्टेड फॉर्म में होती हैं तो इसमें बहुत भरपूर मात्रा में क्लोरोजेनिक एसिड होता है। और ये क्लोरोजेनिक एसिड होता क्या है, हमारी बॉडी में ये इंसुलिन लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का फैट बर्न होना बहुत तेज़ी से स्टार्ट होता है। क्योंकि थायराइड, पीसीओडी वाले पेशेंट को जो इंसुलिन है वो भरपूर मात्रा में मिलती है, भरपूर क्या, फ्री में मिलती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से उनका मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये उसके लेवल को कम करती है। इसीलिए हम ग्रीन, देखिए कॉफ़ी भी कहीं ना कहीं हमारा वजन कम करती है, लेकिन हम उसमें शुगर और दूध मिला के उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लैक कॉफ़ी पीजिए तो आपका वेट रिड्यूस होगा। लेकिन हम इसको बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में लेके आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है और हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है। और नेचुरल फॉर्म कहीं ना कहीं हमारे लिए
काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब मैं बात करूँगी कि मैं इस प्रोडक्ट को ही क्यों प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ऑफ आप दूसरी साइट्स पे जाइए, हर जगह चेक करिए, इतनी ज़्यादा महंगाई है। अगर पर्टिकुलर कोई यही प्रोडक्ट बना रहा है तो वो 3-4 हज़ार तक बेच रहा है, तो वही चीज़ हमें बहुत ही कम रेट में मिल रही है, तो हम क्यों ना उसे लें। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय मैं ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ इसी कंपनी का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। उसका फुल रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, कल या परसों में वो अपलोड हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार है फुल रिव्यू के साथ, क्या प्राइस है, कैसे उसे यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया उसे, गूगल पे भी सर्च किया और यूट्यूब पे भी सर्च किया। ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल्स के बारे में अभी उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के बारे में तो अवेयरनेस है, लेकिन ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने उसका एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो वो कल आपको कल या परसों में मिल जाएगा। तो उस समय मैं उस पाउडर एंड बीन से निकल के ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल में, और ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए मॉर्निंग में और नाइट में तो ग्रीन कॉफ़ी लेना सुटेबल हो जाता है, लेकिन दिन में उनके लिए ग्रीन कॉफ़ी लेना सुटेबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो ऑफिस में होते हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन बताएं या फिर ग्रीन कॉफ़ी क्या, उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि कोई कैप्सूल आता हो तो आप उसके बारे में बताएं। तो ऐसे तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने बता दिया और हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने ऊपर टेस्ट करना होता है, तो मैंने लास्ट 1.5-2 महीने से उसे ले रही हूँ और अमेजिंग से भी अमेजिंग रिजल्ट है। और मैंने क्योंकि इस कंपनी की मैंने पाउडर और बीन्स दोनों मंगवाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, सो मैंने सोचा कहीं क्यों ना मैं इसी के ही कैप्सूल्स मंगवाऊँ, तो इसी के ही कैप्सूल्स भी मैंने मंगवाया, बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट है, यकीन मानिए। मैंने दिवाली में भरपूर खाया, वजन बढ़ा नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वजन घटा है मेरा। सो उसका वीडियो नेक्स्ट उसमें आएगा, सो परचेज लिंक के साथ वो वीडियो आएगा और फुल इंफॉर्मेशन के साथ कैसे लेना है, क्या लेना है। अगर ये मेरा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बगल के आंटी अंकल हैं, या जो लोग भी इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, वो ग्रीन कॉफ़ी या तो यूज़ कर रहे हैं या फिर उन्हें नींद की प्रॉब्लम है, तो उनके साथ मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।